Hey my angels, welcome back to my channel. So आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ब्यूटीफुल सा इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक एंड आई रियली होप कि आपको ये काफ़ी पसंद आएगा एंड ये सुपर डुपर इजी मेकअप लुक है. सो आई रियली होप कि आप काफ़ी इंजॉय करोगे एंड आई नो कि आप देखना चाहते हो कि मैंने ये इजी पीजी लुक कैसे क्रिएट किया है. देन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो गाइस सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ मिलानी का फेस ऑयल. इसे अच्छे से पूरे फेस पे मैं अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज विंटर टाइम स्टार्ट हो गया है. ये अच्छे से प्राइमर की तरह वर्क करता है और मेरी स्किन को स्मूथ रखेगा. देन इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन के लिए एले गर्ल का प्रो इल्यूमिनेट फाउंडेशन एंड आई थिंक इसमें मेरी शेड फेयर है. देन इसके बाद एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. आप फाउंडेशन लगा रहे हो, अगर आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा तो फेस बहुत ज़्यादा पैची के टाइप में लगेगा. देन इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पैक ब्रांड का ये स्पॉटलाइट कंसीलर है. इसमें मेरी शेड है वनीला. इससे मैं अपने फेस को हाईलाइट कर रही हूँ जो भी हाईलाइटेड एरियाज होते हैं और अपने डार्क सर्कल्स को हाइड कर रही हूँ. देन सेम वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ. मैं दोबारा आपको बोल रही हूँ कि ब्लेंड करना बेहद अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज अगर आपका मेकअप अच्छे से ब्लेंड होगा ना, सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड होगी तो फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आएगी. सो एज़ यू कैन सी अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ. आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ मैजिक ब्रांड का ये लूज पाउडर है. तो गाइस ये मैंने जहाँ से लिया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. इसे आपको 30 सेकेंड्स तक के लिए फेस पे रखना है. देन इसके बाद आपको इसे अच्छे से ब्लेंड करना स्टार्ट कर देना है, सेट करना स्टार्ट कर देना है. देन इसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ सिवाना कलर्स का ये अल्ट्रा ब्लश पैलेट एंड इसमें काफ़ी सारी हाईलाइटर शेड मिलेगी. एक आपको कॉन्टोरिंग के लिए मिलेगी और आपको आई थिंक 6 इसमें ब्लश मिल जाएंगे. तो मैं सबसे पहले अपने फेस को कॉन्टोर कर रही हूँ. आफ्टर दैट मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ब्लश. तो ब्लश को मैं अच्छे से अपने चीक्स पे अप्लाई कर रही हूँ, साथ ही टिप ऑफ दी नोज पे मैं हल्का सा अप्लाई करती हूँ. मुझे पसंद है ये काफ़ी इस तरीके से करना. आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का ये ब्रो किट है. इसमें शेड अल्टीमेट एश है आई थिंक. तो गाइस ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. एज़ यू कैन सी मेरी ब्राउज को बहुत ही अच्छे से ये डन करता है. तो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये हाईली रिकमेंड मैं आपको करूँगी कि अगर आपको कोई भी ब्राउ पैलेट खरीदना है डेफिनेटली परचेज कर लीजिए. आफ्टर दैट मैं ग्लैम 21 का ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा है. सो फर्स्ट मैं एज अ ट्रांजिशन शेड मैंने एक लाइटर शेड लिया है. आफ्टर दैट मैंने थोड़ा सा ऑरेंजी रेडिश काइंड में ये शेड लिया है जो कि बेहद ज़्यादा ब्यूटीफुल है. इसे क्रीज लाइन में मैं अच्छे से एक टैपर्ड ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ. आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक मैंने फ्लफी टाइप में थोड़ी सी छोटे जो ब्रश आती है मैंने वो पिक की है और उसे अच्छे से सेम कलर को मैं ब्लेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ. हल्का हल्का मैं प्रोडक्ट पिक कर रही हूँ, ज़्यादा प्रोडक्ट एकदम से पिक नहीं कर रही. देन इसके बाद आईलिड पे मैं अपनी फिंगर की हेल्प से मैंने यहाँ पे गोल्डन कलर पिक किया है एंड यू कैन सी मेरा आई मेकअप यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ब्यूटीफुल लग रहा है. देन इसके बाद मैंने मिलानी का यहाँ पे मस्कारा यूज़ किया है जो कि बिगर लैशेस मस्कारा है और इसे फर्स्ट मैं अपनी लैशेस को कर्ल कर रही हूँ अच्छे से. सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने फेक लैशेस अप्लाई कर ली है. आफ्टर दैट मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे इंस्टा लाइनर. ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है. इसमें मैंने गोल्डन एंड ब्लैक शेड पिक की है. अब मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन शेड और इस तरीके से अपने क्रीज एरिया पे इसे प्लेस कर रही हूँ एंड इनर कॉर्नर्स पे इसे अप्लाई करूँगी. गाइस इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लुक आपकी आईज़ को देता है और ये देखिए मेरा आई मेकअप यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है और आप देखोगे कितना ज़्यादा ये ब्यूटीफुल लग रहा है. देन इसके बाद मैंने गोल्डन कलर लिया है आई पैलेट में से एज अ हाईलाइटर मैं इसे पिक कर मैंने यूज़ किया है. देन इसके बाद मैंने यूज़ किया है स्टे क्विकी की ये लिक्विड लिपस्टिक. इसकी शेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है. देन इसके बाद प्लम फेस मिस्ट मैंने यूज़ किया है. देन इसके बाद यहाँ पे मैं अपना हेयर स्टाइल आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ. तो बहुत ही बेसिक सा ये हेयर स्टाइल है जो कि आई थिंक कि हर गर्ल को ये इजिली हो जाएगा, हर किसी से हो जाएगा जिसको हेयर स्टाइल बनाना नहीं भी आता. तो गाइस यहाँ पे मैंने 2 गुड्स की हैं. एज यू कैन सी फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई है. देन सेकंड मैं यहाँ पे बनाना स्टार्ट कर रही हूँ जिसके लिए आपको कुछ क्लिप्स की ज़रूरत है और पीछे से आपको अच्छे से अपने हेयर को सेट करना है पिन की हेल्प से. देन इसके बाद आगे से मैंने इस तरीके से अपनी हेयर निकाल लिए जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे हेयर स्टाइल लगता है और ईजी भी है ये काफ़ी. आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे ये झुमकास लिए हैं. ईयरिंग्स बहुत ज़्यादा सुंदर है. सो ये ईयरिंग्स मैंने पिक किए हैं ऑर्ना बॉक्स से. सो दिस इज़ द फाइनल मेकअप लुक एंड आई रियली होप कि आपने इंजॉय किया हो इस लुक को और आपको काफ़ी पसंद आया हो क्योंकि ये सुपर डुपर ईजी मेकअप लुक है. सो मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखना. बाय.